गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं बांद्रा जो स्टेशन है वहां पे। ये देखो यहां पे लगा हुआ है फिल्म फेयर का पोस्टर जो 28 अप्रैल को कलर्स पे आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अभी रेडी होके बैग वगैरह लेके अभी कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा हूं। एक्चुअली मैं जा रहा हूं बांद्रा जहाँ पे गैलेक्सी अपार्टमेंट है, जहाँ पे सलमान खान रहते हैं और शाहरुख खान का बंगलो भी है पास में ही है वहाँ पे। सो मैं आज प्लानिंग किया वहाँ पे जाने के लिए और आपको दिखाने के लिए। सो लेट्स सी, अभी मैं रेडी हो गया हूँ बिल्कुल भी और मैंने फ़ोन वन चार्ज कर लिया है बिल्कुल। और मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ थोड़ी देर में। पहले तो भूख लगी है, कुछ खाएँगे, यहाँ से थोड़ा मार्केट जाएँगे, पहले वहाँ पर कुछ खाएँगे, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा स्टेशन। वहाँ से ट्रेन पकड़ के, मतलब हमको लग रहा है 2-3 ट्रेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है। वैसे मैं काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहा था बट एक्चुअली हुआ कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, जॉब भी करना है और कहीं संडे को अगर छुट्टी मिलता है तो मैं जा नहीं पाता हूँ कभी कभार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। सो आज संडे है और आज मैं जा रहा हूँ। आज मैंने पहले से ही प्लानिंग करके रखा था जाने के लिए। सो लेट्स सी, चलते हैं और देखते हैं कितना मज़ा आता है, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बांद्रा को। वैसे मैं पहले गया हूँ ऑलरेडी बहुत पहले, बट एक बार फिर से जाने का दिल कर रहा है। सो चलो चलते हैं, पहले चलते हैं मार्केट, पहले कुछ खाता हूँ। मैं भूख लगी बहुत तेज़ यार, सुबह से कुछ नहीं गया और एक बजने वाला है। पहले पहनते हैं शूज, हमारा ये है शूज, बिना सॉक्स का शूज। और मेरा जो शूज है, शूज भी ऑलमोस्ट कहानी ख़त्म है, इसका दूसरा लेना पड़ेगा, मतलब शूज काफ़ी पुराना हो गया है। इसको भी पहनते हैं, वाइट है तो गंदा ही बहुत जल्दी हो जाता है, देख रहे हो कितना गंदा हो गया है। गंदा नहीं है, गंदा दिख रहा है, गंदा नहीं है, गंदा दिख रहा है क्योंकि वाइट है ना। सो इसके लिए इसको लगा देते हैं भाई। भाई मैंने चाबी अच्छी जगह छुपाई है, बता नहीं सकता क्योंकि मेरा जो रूम पार्टनर है जो मेरे साथ रहता है वो शायद चाबी भूल गया है। एक्चुअली दो चाबी है, तो मैं एक मेरे पास रहता है और एक उसके पास, तो वो शायद भूल के सुबह चला गया है। सो मैंने ऊपर गया है और एक ईंट था, ईंट के नीचे रखा है। अभी वो फ़ोन करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई ईंट के नीचे रखा हूँ। सो मैं अभी आ गया हूँ बाहर और अभी जा रहा हूँ खाने के लिए, भूख लगी है बहुत तेज़, देखते हैं क्या मिलता है इस टाइम खाने के लिए, कुछ खुला भी होगा या मार्केट या ऐसे बंद होगा, पता नहीं। सो चलो चलते हैं। कोई टूर्नामेंट चल रहा है, मतलब मैं पहले भी इधर आया था तो देखा था टूर्नामेंट चलता ही रहता है। मैं अभी जा रहा हूँ स्टेशन और स्टेशन यहाँ से कम लगता है 15 मिनट पैदल जाने में लगेगा। सो मैंने ऑटो वोटो कुछ कारोबार ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे को जरूरत भी नहीं है, मैं पैदल ही जा रहा हूँ। और मैंने आपको दिखाया वहाँ पे क्रिकेट होता रहता है, मतलब क्रिकेट कोई टूर्नामेंट चल रहा है, लोकल के लोग ही खेलते हैं, आपस में खेलते हैं। सो चलो चलते हैं। पहले तो भूख लगी बहुत, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। और जाने के बाद वहाँ पे मतलब कुछ तो मिलेगा, जो भी है फास्ट फूड वगैरह मैं खाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा वहाँ से। ये देखो कितना धूप है बाहर रोड पे। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ स्टेशन के पास और यहाँ पे थोड़ा पहले खाता हूँ उसके बाद जाएंगे। ये खाने वाला हूँ आज चिकन शोरमा, ये वाला। सो गाइस फाइनली मैंने ये ले लिया है और ये देखते हैं खा के कैसा है। भाई मैंने खा लिया है, भूख लगी थी बहुत तेज और अभी खा के आ गया हूँ मैं स्टेशन पे। अभी पहले टिकट लूँगा, टिकट लेने के बाद फिर निकलता हूँ। पहले देखते हैं टिकट कहाँ मिलेगा, उधर मशीन वशीन लगाई क्या, मैं मशीन से ही लेता हूँ मोस्टली क्योंकि फिर उधर लाइन लगना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ से लेता हूँ। मैंने टिकट ले लिया ये और टिकट लेके अभी जा रहा हूँ, देखते हैं कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है, समझ नहीं आ रहा कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आई ये पता नहीं। इधर जाऊं, इधर जाता हूं भाई, इधर ही जाता हूं, देखते हैं क्या होता है।
ये देखो पूरा खाली है। अभी कहाँ से मिलेगी वडाला के लिए, आई डोंट नो। मैंने टिकट ले लिया, टिकट लेके अभी आ गया हूँ स्टेशन पे और वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। तो समझ नहीं आ रहा कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। पहले मैं दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे था, अभी मैं इधर आ गया हूँ। मैंने एक बंदे से पूछा था कि भाई वडाला के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म पे आएगी ट्रेन, उसने बोला इधर नहीं आएगी, इधर जाओ। तो मैंने उसी ट्रेन से 20 से निकल के इधर आ गया हूँ। अभी इधर वेट करता हूँ, देखते हैं कब तक आती है। गाइस मैं वापस से नीचे जा रहा हूँ और नीचे जाके अंडरग्राउंड फिर दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रेन आने वाली है हमारा इस पे नहीं आएगी भैया, दूसरे पे आएगी। बहुत मुश्किल है। तो मैं अभी जा रहा हूँ जो 4 नंबर है वहाँ पे। कहाँ जाना था एक्चुअली, वहाँ पे लिखा हुआ है, उधर भी है इधर भी। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस पर, यहाँ पे आएगी ट्रेन। सो दोस्तों मुझे जाना है इस रूट से, जो मोटी वाली ग्रीन लाइन है यहाँ से, इस रूट से जाना है। यहाँ से सीधे जाना है और यहाँ से जो पतली वाली जो ग्रीन कलर की रूट है यहाँ तक जाना है, जहाँ पे लिखा हुआ है खार रोड। अभी बैठा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ, अभी ट्रेन आने वाली है, 5-10 मिनट में आएगी ट्रेन मेरी वाली। वेट कर रहा हूँ इस पे आएगी, इस वाले पे। इसके पहले मैं उधर था, सबसे लास्ट में था, उसके बाद फिर मैं उस पे गया, उससे पता चला नहीं इस पे आएगी। तो मैं अभी फ़िलहाल इस पे हूँ, 4 नंबर पे। भाई 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अभी तक ट्रेन नहीं आई है, मैं बोर हो रहा हूँ अभी बैठे बैठे। 10 मिनट हो गया, अभी कम से कम लगेगा 10 मिनट और लगेगा, 2:01 पे है। और अभी हो रहा है, अभी कितना हो रहा है, अभी 1:51 हो रहा है, मतलब 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा। चलो वेट करते हैं, कोई बात नहीं। एक बज के 51 मिनट। एक बार फिर से मैं स्टेशन पे हूँ और आज संडे है तो बहुत सारी ट्रेनें बंद थी। सो मैं अभी हूँ दादर में और दादर मैंने उतर के एक दूसरा टिकट लिया है और अभी जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वहाँ से मिलेगी बांद्रा के लिए। सो अभी जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, अभी मैं 6 नंबर पे हूँ। संडे की वजह से बहुत सारी ट्रेनें बंद रहती है आज, मालूम ही गया, और उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इतनी भीड़ थी कि मैं कुछ सूट ही नहीं कर पाया ट्रेन के अंदर। फाइनली मैं पहुंच गया हूं बांद्रा जो स्टेशन है वहां पे, और यहां से ऑटो या बस मिलेगी और यहां से फिर, क्योंकि यहां से भी काफ़ी दूर है, 15-20 मिनट लगेगा। तो देखते हैं या ऑटो लेंगे या फिर बस लेंगे यहां से, उसके बाद जाएंगे। अभी देखता हूं क्या मिलता है, जो जल्दी मिलेगा मैं वो ले लूँगा। देखो ये है बांद्रा स्टेशन, वो है स्टेशन, और वहां से अभी जाना है मेरे को इधर इस साइड जाना है। तो यहां पे लगा हुआ है फिल्म फेयर का पोस्टर जो 28 अप्रैल को कलर्स पे आएगा ये।